đâu. हाँ परमादरणीय श्रोता संबंधी विरह के प्रेमी बा, मैं गार्जियन को विरह के माध्यम से इस कैसेट के माध्यम से स्वागत करता हूँ। यह बड़े भैया वीरेंद्र जी के देख रेख में हो रहा है। बाबा जिस कैसेट का नाम है दहेज बना अंगार और भाई का खूनी भाई। जिया लाल आ जा। करे जख्म जमीर में जुर्म जिस्मो पे जाम में जालिमों ने नजाकती किया पी के प्याली में पहलू को कलुषित करे करती कलरा विहंगम तरु घातक किया मौत की गोद सोना समझ स्वर्ग है अरे जलती चिता नाच चाह तक किया जन्नती में मौला है गम घूटते शिवजी कलम कोई न ताकत दिया जय मास्टर। एक लाइन कवाली के बोले मा लगल कैसे मास्टर। अरे ये ख्वाजा पिया अरे ये ख्वाजा पिया रंग दे चुनर मोरा थानी ख्वाजा ये ख्वाजा पिया रंग दे चुनर मोरा दानी गौर करिहन। एक कव्वाली से बढ़कर के बिरह के प्रसंग में कभी जी भाव के अंतराल में देहलन कैसे मास्टर। अरे समा पे सभी जलते नहीं है परवाने समा पे सभी जलते नहीं है परवाने समा पे सभी जलते नहीं है परवाने। अरे घूमते रहेंगे अरे घूमते रखेंगे हो के ये पंगु दीवाने वाने वाने ये समा पे सभी जलते नहीं है परवाने समा पे सभी जलते नहीं है परवाने समा पे सभी देखी। ये भाव में कभी जी बड़ा सुंदर लाइन लिख दलन भाव के अंतराल में थोड़ा सा शायर के कवि में कैसे मास्टर। कभी के कलम से करुणा की धार होती है नैतिकता नग्न से मानवता आज रोती है बहुत से गायक बहुत से कवि अपने अपने कविता में लिखे हैं कहीं बेटी को जिंदा जला दिया गया है कहीं बेटी को गोली से मार दिया गया है। ठीक है एक दस्तूर है प्रॉपर बोध गया की दस्तूर है कैसे कभी लिखे हैं।
कवि के कलम से करुणा की धार होती है, नैतिकता नग्न से मानवता आज रोती है। जहर जलाने वाला गोली कत्ल फांसों से, मरघट मसान कब्र कांपता है लाशों से। सुनी एजिए समर दस्तान निकलत हो, कहवा का चीज बा? अरे बोध गया के अंदर मिली एक दस्तूर सही, बोध गया के अंदर मिली एक दस्तूर सही, दानो दहेज सबको कर दिया मजबूर सही। देखिए हमार दास्तान प्रॉपर बोध गया का बा, जौने बोध गया का नाम हिंदुस्तान में नहीं विश्व में गुंजत बा, देश विदेश के लोग आ करके अपने अपने परिवार के आ करके और बैठाव करेला बोध गया के अंदर। ठीक वही कही हमार दस्तान एक ठे निकल गई बा। ए बाबूजी गणेश नाम का व्यक्ति रहलन बिल्कुल गरीब रहलन, और अपने गरीबी में कुल्ली का काम करके एक है बिटिया उनके पले रहल, बड़ा प्यार दुलार के साथ अपने बिटिया का नाम सुषमा रखले रहलन। सुषमा का ड्यूटी रहल बाबूजी कि अपने बाबूजी के भोजन बनावे और बाबूजी के खियावे, और खिया करके बाबूजी अपन झोला झकर ले करके और चल जा गया स्टेशन पर काम करे खातिर, और अपने लड़की कलम किताब उठा करके विद्यालय के तरफ चल दे। ओनी समय कवि जी एक लाइन तर्ज कर लिख दलन, का लिखल मास्टर? कौनो नौजवान का गौना भइल बा, जवने समय मेहरारू घरे आल बा, ये भैया उ नौजवान लड़कन के संग में जा करके और शराब का भट्टी में पी के शराब के नशा में चूर हो गइल बा। जवने समय शराब के नशा में चूर भइल बा घरे आइल बा, देखलस ओकर मेहरारू की आज तो गड़बड़े बा, हमार सैया शराब पी के आ गइल बाड़न, हम चल करके आज अपने सास के रात बिता लही, जा करके अपने सास से एक के बात कहले बात तर्ज बा, कैसे कहला कि अरे हमरा के लगाही, कि अरे हमरा के लगाही सुताई आमा, अरे हमरा के लगाही सुताई आमा, बेटा राउर दारू पी के करता डरामा, हमारा के लगाई देखिए 1001 रुपया का पुरस्कार हमरे बिरहा गायक जग नारायण सिंह यादव ये मुठानी के धरती से 101 रुपया का पुरस्कार दिलन। हमरे तरफ से पूरे पार्टी के ओर से नमस्कार प्रणाम बा, आप लोगन के भी प्रेम पोलगी। देखें ई तर्ज का लाइन बा, यही तर्ज में सुषमा जनवातन की अपने बाबूजी के भोजन कराए के और गया स्टेशन पर भेज लेवा कुल्ली का काम करे बदे, अगर मौका मिले तो भीख मांगे भी शुरू कर दें, लेकिन अपने कहाँ चलल बाजिया लाल कि अरे सुषमा विद्यालय चली, कि अरे सुषमा विद्यालय चली बाबूजी टेसनिया, सुषमा विद्यालय चली बाबूजी टेसनिया, बिटिया गरीब बाकी चढ़ी जवानिया, धीरे धीरे सयान हो रहा बा।
केकरे घरे बेटी सया नहीं बा, लेकिन अपने बेटी के बाद दूसरे के बेटी के देख के लोग बोली को बोली जरूर बोलेलन। एकरे पर एक लाइन कवि जी लिख दलन भाव के अंदर कैसे, अरे सबके घरे बेटी लेकिन आय हाय हाय सबके घरे बेटी बाकी बोली बोला जान के, आ हमरे घरे चला गोरी जैबू का मकान के, लड़की देखलस कलस की समाज इतना गंदा हो गई बा, केहू के बिटिया के कोई चिन्हत नहीं बा, अब हमें जवानी के कैसे संभाल के रखी। एक बात कहले बा कि हम तो गरीब हैं, हमार बाबूजी गरीब हवन, हमके पोशाक पहिरे कभी कोनो ढंग नहीं बा, न रुपया बा न पैसा बा। एक लाइन कहले बा का, अरे कैसे ढकाई बाटे, अरे कैसे ढकाई बाटे फटही वढ़निया, आ कैसे ढकाई बाटे फटही वढ़निया, अरे बिटिया गरीब बाकी चढ़ की जवनिया, देखी खराना के धरती से मोटरू चौधरी जी के ओर से 1001 रुपया का पुरस्कार बा। ये कैमूर जिला के एवन और कुदरा ब्लॉक के रहने वाले हैं। हमारे तरफ से पूरे पार्टी की ओर से नमस्कार प्रणाम, आप लोगन के भी प्रेम पर लगी। देखी वो लड़की सोच रहा बा कि अब हम कौन से उपाय करी, अब का करी, लेकिन ये भैया धीरे धीरे उ घरे आइल बा, जौने समय धीरे धीरे घरे आइल बा। ये भैया एक लड़का ओकरे जात कर रहल, जौने लड़का का नाम सरोज रहल, वही विद्यालय में पढ़त रहल, डेली बाई डेली देखे के सुषमा के लोग परेशान कैले बा। सुषमा जन बात उनकी हमरे जात के लड़की बा, आज आज हमसे बर्दाश्त नहीं होई। उ लड़का इंतजार कर रहल बा सुषमा के, कि सुषमा से हम आज बात करब और बिना तिलक के बिना दहेज के ओकरे संगे हम प्रेम का शादी करब, ताकि ओकरा पीछे कोई गुंडा नहीं लगी हन। देखबा बाबूजी इंतजार करत हो, लेकिन एक लाइन तर्ज के बोल बा कौन हमारे तरई है बा, कि अरे अपने दहेड़ी आराधे, अरे अपने दहेड़ी आराधे दाहिया जमावली, दहेड़ी आराधे त दहिया जमावली, आ कांधा से मांगली जोड़न माध हो कांध मन मूसु काल, ये बाबूजी दूसरे दिन सुषमा खाना खियाए के और पहिर ओढ़ करके कलम किताब लेकर के विद्यालय के ओर चलल बा, लेकिन सरोज इंतजार करत है सुषमा का कि कब आवे तो ओकरा से बात करी हम। ए बाबूजी जब नजदीक भेल सरोज से और सुषमा के नजदीकी आ गेल एकदम बिल्कुल करीब, तो वो समय सरोज सुषमा से एक बात कहले बा, लेकिन तर्ज बा कौन हमास्टर ये कहला, अरे पतरी कमारिया, अरे पतरी कमारिया जवनिया बौखलाती बा, आए सुषमा तू हमारे जात का बेटी है, हमारे जात का लड़की है, तोरा के देख के बोली कुबोली लोग बोलत बा, आ हम तोरे जात का लड़का है, एक काम कर कहले बा, अरे पतरी कमरिया जवनिया बौखलाती बा, अरे नैना
अरे नैना लड़ावेला बिसनिया धनिया हो पनिया छल छल छलके तोरे जात के लड़का ही कोई शादी करे तो जाती है बिरादर के तोरे संगे करी लेकिन हम तोरे जात के लड़का ही कोनो धन संपत्ति में कम नहीं बा तीन तीन चार चार ठे बस हमरा चलेला तू हमसे प्रेम से शादी कर लेकिन बारे भाई उ लड़की सुषमा सोचे लगल कि हम धनी घरे नहीं जाए धनी के घर में हमार कदर नहीं होई ऐसे कोई शिक्षित आदमी गरीब आदमी हमारा के लेकर के जाए तो ओकरे घरे हमारी इज्जत हुई लेकिन उस सरोज का कहले बा मास्टर क्यारे रोके ला सरोज क्यारे रोके ला सरोज धाई के सुषमा का डहरिया आगे बढ़े के कोशिश मस कर तनी हमसे बात तक कहले कलश की चल जाए तोरे झांसे में हम नहीं आई बतावे लगल यारे काहे के डूबा वाला बाप भाई का पगारिया कलश यारे हमसे ना होई ना धनिया धनिया हो पनिया छल छल छलके आप देखबा ये बाबूजी उ सरोज कहत बा कि हम बिना तिलक का शादी करम लेकिन सुषमा करल बा कि तोरे घरे हमार गुजर ना हुई ऐसे तू धनी का बेटा हुआ हम गरीब का बेटी हैं एक रुपया तिलक ना मिली तोहार बाबू तोहार भाई तोहार मतारी तोहार बहिन हमके तोहार समाज पसंद ना करी लड़की जन बात उनकी सरोज से ठे बात कहले बा कि हमार धन जन बा हमारी इज्जत हो ऐसे हमारी इज्जत लूट जाई तो ये समाज कोई हमके पूछी नहीं एक लाइन तर्ज बा कैसे कल मास्टर देखी तर्ज है बा बिल्कुल भोजपुरी गीत हो भोजपुरी में एक नई तर्ज निकल बा कौन मास्टर अरे चढ़ाली जवनिया में चरतिया छूटा अरे चढ़ाली जवनिया में चरतिया छूटा अब बात नहीं मान ले वो खड़तिया खूटा देखी गौरा के धरती से भभुआ थाना के अंतर्गत गौरा बा वो गौरा के निवासी सुरेंद्र सिंह यादव जी ई हारमोनिया मास्टर साहब के ओर से ई 501 रुपया के पुरस्कार बा नमस्कार प्रणाम बा लेकिन तर्ज उहे बा अरे चरदी जवदिया में चरतिया छूटा अरे बात नहीं मान ले वो खड़तिया खूटा भोका भयल ब्रह्मचारी तमोरा भोका भयल ब्रह्मचारी अरे बोला तोहार बकरी काहे आंख मारो तार जिया जिया हाँ देखी ई बरेज के धरती से बरेज का धरती से तेज बहादुर सिंह यादव जी के ओर से 501 रुपया का पुरस्कार बा नमस्कार प्रणाम हमरे तरफ से पूरे पार्टी के ओर से नमस्कार प्रणाम बा देखी वो लड़की जोन बा सरोज से ठे बात कहले बा सुना मार धनी है बा एक लाइन कहले बा का मास्टर क्या रे धनवा
कनक हमारो लुटाई अलग यहाँ कलंक कैसे होई हाँ सगाई अरे तिलक दे जबेश मारबा मारबा आ कोई ना खेवैया नैया परल मज धारबा जब इतना बात सरोज सुन ले बा कि तिलक प्रथा से ही लड़की डरा रहल बा कसम खैले बा कि सुंदरे सुषुमा हमार नाम सरोज है हम अपने जवानी का कसम खात हई कि तोरे संगे मर जाई तोरे संगे मिट जाई लेकिन हम एक कदम पीछा ना हटब हमार कसम बा कि बिना तिलक का तोरे संगे हम शादी करम तनी कहले काबा उड़ान में कैसे अरे कहा सरोज बिन तिलक की शादी करूंगा सुषुमा प्यारी अरे तू है मेरी कौम की बेटी अरे सुन ले बात हमारी हो अरे लुटेरा बनी के लूटब थतिया अरे लुटेरा बनी के लूटब हो लुटेरा बनी के लूटब थतिया अरे त कोमल कली के ऊपर फौरा के बसेरा कोमल कली के ऊपर भौरा के बसेरा लुटेरा बन के लूटब थतिया कलश की चला हम एक रुपया तिलक ना ले चला हमरे संगे तू शादी कला और इतना ही आज के बाद पांचवा दिन हमार तोहार बिया पक्का होई जितना रुपया लागी जितना खर्च लागी हम अपने घर से वाहन करब लेकिन आज लवट कर चले के तब लड़किया कहलस कि जब हिम्मत बा ऐसा तोहार शादी का तो देखिए धोखा मंदी है एक लाइन तर्ज बा कौन है मास्टर तर्ज के बोली हे बाए बाबूजी कि अरे यही पार गंगा माई वही पार जमुना हो जाऊ तेरा डल ले हो लड़किया सरोज से हाथ जोड़लस कलश की देखा हमके धोखा मत दिया एक बात कहले बा का अरे धोखावा में डली हो जानी अरे धोखावा में डली हो जानी अपनी कर के जातिया हो हाथ जोड़ा था धोखा मानती है बनी कर के जातिया हो अरे यस सर बाबा
सरोज कलश कि हमारे बाती पर विश्वास कर ले सुषमा, अगर हम गलत बोलब तो भगवान देखा तुम्हें आज हाथ मिला ले, चल आज के बाद पांचवे दिन हमरे तोरे शादी हुई, नतीजा निकलल कहल का सरोज चला घरे हो शादिया हो कलश की सुषमा हमार कसम्बा, जब तुहार जिंदगी जाई तो हमरो तोहरे संगे हमार लाश जली, हमार कसम्बा देखवाए बाबूजी बात के, ये बात के फैल गई कि सुषमा के संगे सरोज जोन बात उनकी प्रेम का शादी करतबा एक रुपया तिलक नहीं लगी। ओकरे बाप के जानकारी हो गई, देखी भाव बदल गई, ओकरे बाप के जानकारी हो गई, ओकरे बड़े भाई के जानकारी हो गई कि आ रे दादा हमनी के 10 लाख रुपया आज जियान हो रहल बा, ऐसे एक पढ़ावल लिखावल डांड हो गई कि हमार भाई सरोज एक भिखमंगा के लड़की से शादी तय कल हलस, सारा रुपया पानी में चल जाई। एक बात सोच गईलन, कसम खा गेलन कि ऐसा कभी काम करे नहीं दीब जा। एक ठे बात कहलन, का कहल मास्टर कि जब मिली खबर घर वालों को, जब मिली खबर घर वालों के ज्वाला में जल अंगार हुआ, जब मिली खबर घर वालों को ज्वाला में जल अंगार हुआ, सब मिटा दूंगा उस रिश्ता को लेकर बाला फरार हुआ। मच गई खलबली गलियों में, मच गई खलबली गलियों में, पापी वह कुछ ना सोचा है, कत्तार कमीना कायर काहिल कोठे के ऊपर बेचा है। बाबूजी ओकर बड़ भाई रहलन गुंडन के रुपया दे करके ठीक करा दलन, कहलन कि जा जा सुषमा गरीब का बेटी बा, 5 दिन के बाद हमारे भाई संगे शादी होके वाला बा, और तू जा करके सुषमा के अपहरण करके चाहे मुआ दिया लोग चाहे अन्यत्र का दिया, पैसा दे करके भेज धलन ये भैया, लेकिन सरोज के जानकारी नहीं गई न सुषमा के जानकारी बा, वो गुंडा गईलन और जा करके एक बायक सुषमा के अपने गाड़ी में बैठा लगलन, आज उन्हें समय बैठावो लगलन ये बाबूजी, और बैठा करके वो पापी गद्दार ले जा करके और गाजा के झामो बाई के कोठे पर, बेस्याले के कोठे पर ले जा करके बेच दिया 50,000 रुपया में, बेच करके चला गया, और वह झामो बाई जो है 50,000 रुपया में खरीद करके उस सुषमा के पास जा करके सिंगरदानी भेज देती है। ऐ सुषमा ले है सिंगरदानी आपन सिंगार कैले, ऐसे कि अब समय हो रहा बा गहकी के, गहकी अहन और जवन इच्छा करे तवन करी है तू तैयार हो जो। लेकिन बाहर मालिक सुषमा ओकरे सामने जाकर के हाथ जोड़ दलस, कलस की एक धर्म कमतारी होली, एक पाप कमतारी होली, ए माई जवन नीच से नीच काम करेबी तवन हम करब, लेकिन केवल हमारी इज्जत बचा ले बता ले। लेकिन ये बाबूजी डंडा लेके तैयार हो गई, कलस के हमार 50,000 रुपया जात है, अगर तू ऐसा काम ना करबी तो हमार डगर जाई 50,000 रुपया। कोड़े कमार बरसावे लगल, डंडा कमार बरसावे लगल, लचारी ब्रह्मचारी के रूपे पति व्रता लचार में फंस करके आंख से आंसू उठार रही है और सिंगरदानी लेकर के सिंगार कर रही है। ये बाबू जी ने संगे सिंगार कैले बा, और सिंगार करके अजब वो कोठरी से निकल करके और समाज के दरमान आइल बा, उस समय भगवान से प्रार्थना कैले बा, एक लाइन तर्ज के बोल बा, कौन है मास्टर मास्टर
कलश की अरे बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी, अरे कवने गुनाहिया, अरे कवने गुनाहिया पियावा बनाला मो बाबू दरोगा बाबूजी। उ लड़की जन बा भगवान से प्रार्थना करलस के हे मालिक जेकरे दुनिया में केहू नहीं होला तू सहारा होला। प्रमाण के साथ कलस के हे कुंवर कन्हैया, हे कुंवर कन्हैया जौने समय द्रौपदी के चीरहरण होखे लगल ओ समय अर्जुन भीम नकुल सहदेव दुष्टि पांचों पति सामने खड़ा बनन, लेकिन कोई सहारा ना मिलल। तब भगवान के याद कैलस, द्रौपदी भगवान के याद कैलस, आज समझ ला कि हम ही द्रौपदी बानी। सुषमा रो करके भगवान के याद में एक ठी बात कहलस का, अरे कुंवर कन्हैया हो, अरे जीवन कन्हैया, अरे जीवन कन्हैया डूबना उतिरा, कुंवर कन्हैया हो। जब हवस का प्यास बुझावे कुछ नौजवान आयल बनन, सामने जाकर के तीन चार लड़की खड़ा भैली, और जब ने समय खड़ा भैली तब कवि जी भाव लिखलन का, अरे हवस का प्यास बुझाने आया सरोज कमीत गोपा। बारे भगवान, सरोज का सच्चा मित्र लड़कन के संग में बेस्या के कोठे पर मौज पानी ले बदे चल गई लहल। ओनी समय गोपाल यादव देखलस के रे ई तो होय वाली सुषमा हमरे मित्र का दुल्हीन बा, ई जगह कैसे चली आई। आ जब उस सुषमा देखलस गोपाल के कि हमरे मित्र का हमरे पति होय वाला कई मित्र हवन, देख करके रो लगल कैसे, अरे हवस का प्यास बुझाने आया सरोज कमीत गोपा। सुषमा अरे छाती पीटे गिर गईली तत्काल की कुंवर कन्हैया हो, अरे तबान्ह के राशि, अरे बान्ह के राशि काटल जाली का कुंवर कन्हैया। देखिए बाबूजी, उ लड़की जनबा, लड़की जनबा रो रहल बा और गोपाल यादव के बर्दाश्त नहीं भई, उ लैटिन वाला रूम में चल गईलन। जौने समय लैटिन वाला रूम में जा करके और टेलीफोन कैलन अपने मित्र गोपाल के, जब टेलीफोन कैलन कि भैया तोहार होए वाली दुल्हीन जनबा झामोबाई के कोठा पर बा, जल्दी तू ले करके पुलिस चलिया बा, और ना ही तयाज ओकर असमत लुट जाई तो शादी के का करबा। देखा ये बाबू जी तुरंत जनबा, सरोज बात के सुन ले बा, तुरंत पुलिस लेकर के झामोबाई के कोठा पर गया में पहुँच गिल बा, और पहुँच करके और वो विश्यालय से सुषमा के छोड़ा ले लेबा, और छोड़ा करके फिर वही झुकी में ले आई बा, और कहलस कि आज रात का शादी कई जाई। प्रेम से देखी एकदम बिना तिलक के बाबूजी शादी प्रेम से कैले बा हुई झुग्गी में, और प्रेम से शादी करके सुबह कलश के सुषमा कितना दिन रुकल जाए, आज विदाई हो जाल चल चला ससुरारी। देखबा जोने समय वो सुषमा अपने पति के संग में डोली में गाड़ी में चढ़ करके ससुरार जाए लगल, तो अपने बाबूजी के पैर पकड़ के एक के बात कहले बा, पपट कलाई लगन कैसे,
कवनवा बाल मचिराई। अरे कवन डलिया पर बैठी मया नवा बाल मचिराई। सुषमा के सरोज ले जा करके अपने घर में रख दलन, लेकिन दरवाजे पर बड़ा एक विचित्र जगह आ गई, विचित्र आदमी पहुंच गेलन तिलकहरू। और तिलकहरू ओकरे बाप से यानी सरोज के बाप से कहलन कि तुहार बेटवा खाली बा कि बझल बा। ओकर बाप कहलन कि नाई हमार बेटवा तबहिन खाली बा। कहलन कितना तिलक ले बा? कहलन कि 5 लाख रुपया हमारे बेटवा का तिलक बा। ये बात के छुपा दलन कि हमार बेटवा शादी करके दुल्हन घरे ले आइल बा। कहलन कि देखबा 5 लाख रुपया तबा, लेकिन एक शर्त हमार बा, वो शर्त के मंजूर कर लेबा तो 3 लाख रुपया में हम शादी तय कर दें। कहलन कि का करे को ही तो बतावल गलन का अरे आइला तिलक कहरू तीठे अरे तब दू अरे पहुनावा। अरे 3 लाख रुपया के कैला एला नावा। अरे फिर से बनिया हतावा में कंगनावा बालम चीरई। तब बाबू भैया कह भैया एला नावा बालम चीरई। बाबू भैया कह भैया पक्का पक्की कह लेलन कि चला जे घर में दुल्हन आयल बा वो के हमन न पता कह देब जा, आज रात में न पता कह देब जा, घबरा तू मत। लेकिन सरोज दुल्हन से कलश के देखबा तू घरे रहा आ हम जात बाणी विद्यालय, परीक्षा हम के देवे के बा तू घर में रहा हम मौका से चली आई। कलश की ये समाज में हमार कोनो कदर नहीं खे, हमसे के बोली हमसे के बतियाई हमरे लगे के बैठी। कोनो उपाय तो दे दे। कहना घबरा मत, एक ट्रांजिस्टर किन के दे दलन और मोबाइल दे दलन। कहना कि ला समय से समाचार सुनल करिहा, गीत सुनल करिहा, आ जब इच्छा करी तो हमसे बात भी कलिहा। वाह वाह कैलन का मास्टर यारे टेप आओ ट्रांजिस्टर दिहलन तब गोरी के लियाई हा। आप पति का ख्याल परी तब लिया तू बजाई हा। अरे सी चक्कर किया पगिया का सुमनवा बालम चिरई। अरे 10 तारीख के होई है फिर भी ललवा बालम चिरई। देखी मोबाइल दे दहलस, रेडियो दे करके उ लड़का चल गेल बा विद्यालय परीक्षा दे बदे। अयोहर नतीजा भेल शाम के बेला में तय न हो गई बा तिलकहरू लोगन से कि आज लड़की के समाप्त कर देवे के बा। बारे दहेज बारे जुग बारे जमाना दहेज के चलते रात का जनबात उनकी पलान कर लहलन। उ तो चली गई बा गरीब के बेटी बा एकर सुने वाला के बा। आज रात के चल करके बटी बटी काट करके एक समाप्त कर देवे के। देखिए बाबूजी धीरे धीरे 10-11 रात बजे लगल और लड़की जनबा तो उनकी रेडियो चालू करके सुनत बा और टेप भी मोबाइल भी चालू कर दिले बा, अपन मोबाइल कर दिले बा ओकरा में रेडियो वाला गीत टेप कर रहल बा और चालू बा दोनों। वही बीच में सरोज के विद्यालय में परीक्षा हो रहा बा और तिलकहरू जौन बाड़न आपन तलवार लेके सरोज के बड़ भाई के लेकर के ओकरे दरवाजे पर खड़ा बानन कि जब ओकर नींद लगी और जा करके गतरे गतर ओकर काट करके फेंक देव जा। आज देखी ओकर जब ही नींद लगल तब नतीजा का निकला थोड़ा सा विदेशिया कलान कभी लिखलन का ए
कि अरे सुतल महलिया में अरे सोचे ले सुसुमा हो अरे कल आई है हमारो सजनवा ये भाई जी अरे लेके तलवारिया असरोजा का भैया हो संगवा में दुई गो पहुनावा ए भाई जी तलवार लेकर के और इंतजार करो जेव नींद लगल और तब तक से पापी गद्दारू कैलन का अरे बटी बटी काटे लगलन अरे बटी बटी काटे लगल असुसुमा का देहिया हो ए बाबूजी गतरे गतर ओकरे शरीर के जब काटे लगलन तो एक के बात लड़ी के कहले बा अरे गतरी गतर काट असुसुमा का देहिया असंगवा में दुई गो पहुनावा ए भाई जी देखी वो लड़की के देखलन चेहरा सरोज का बड़ भाई तक कलन की ई मारे लायक लड़की नहीं खे लेकिन ये घर में आ गई जा तो कुछ कह के और तब चले के एक बाय एक तिलकरू सवार हो गिलन लड़की जब निगाह उठा के देखलस के रे ई तो हमरे स्वामी के चेहरा के लेखा बानन एकर मतलब ई हमार भसुर लगी हन ई तनजान आदमी बानन लेकिन भसुर के घर में आवे के कोनो सवाल नहीं खे उठत लेकिन आवाज आलस कि तू तो हमार बड़ भसुर हो हमरे देह के छुआ मत लेकिन वो भसुर का कलन के रे पगली तू हमार 5 लाख रुपया बिगाड़ दे थी आज तोर जिंदगी छोड़म ना या। लेकिन पापी गद्दारन के न रेडियो सूझत बा और न मोबाइल सूझत बा कुछ नहीं खे सूझत तो वो कैलन का लेकिन एक लाइन अल्लाह का प्रमाण बा का अरे नारी के कदारवा अरे नारी के कदारवा का जान ना गदरवा भैया अरे नारी ये सजाना मैला साना समसा लका है जवा के कारण पे मनवा देखबा अरे बासला नगारी या कति हलन खौदार देखी बदल जा सदर में आ जा लग भैया अरे बासला नगारी या कति हलन उजारा पकाल बाबू हो गए ना सवारा पकाल बाबू हो गए ना सवारा
सुमा के बटी बटी काट करके पापी गद्दार और एक बोरा में कस दिए, और कसने के बाद लैट्रिन वाला रूम को तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद होता है क्या मास्टर? अरे लैट्रिन वाला रूम के तोड़े बदकारा। अरे घर वाल से भाग गली नार हो छिनारा। ये बाबूजी वो सुषमा के बटी बटी काट करके लैट्रिन वाला रूम के तोड़ करके और बोरा सहित वही में गंदा में डाल दलन, और डाल करके जीव का त्यों कर करके लेकिन बाहरे भगवान न रेडियो सुझत बा पपियन के आ न मोबाइल सुझत बा, मोबाइल तो नीचे गिर गई बा, और गद्दार ओमा डाल करके आ निकल गिलन घर में से। निकल करके जा करके शोर मचौलन गाँव में कि सरोज जौन शादी करके दुल्हन ले आइल बा उ गहना गिठो ले करके भाग गई। खबर गईल सरोज के ए बाबूजी। दौड़ करके जब सरोज अपने घरे अलन अपने गाँव में अलन पता लगावे लगलन ए बाबूजी जौने समय घर में गईलन तो उनके रेडियो वही तरह चालू हालत में मिलल और मोबाइल जनवा तो उनकी चालू हालत में मिलल। वो मोबाइल के ले करके और जब कुछ दूरी पर गईलन कहलन कि मोबाइल तो चालू बा, एकर मतलब भैया कोनो साजिश तो नहीं कर दहलन, दुल्हन हमार ठीक कात रहल, कोनो बात तो नहीं हो गए तनी, ये मोबाइल के चालू करी था। जौने समय मोबाइल चालू कैले बा ना ये बाबूजी, ओ समय सरोज का आवाज वही मोबाइल में आ गई कि सैया सैया तो के मना कैली लेकिन तू मल्ला ना सैया, आज तुहार भाई हमरे जिंदगी से खिलवाड़ कैलन और जिंदगी के मारे बदे तैयार बनन, लेकिन वही में उनके भाई कभी आवाज आ गई कि अरे पगली, अरे पगली तू हमार 5 लाख रुपया बिगाड़ धली, आज तो के छोड़म नहीं। ए बाबूजी जौने समय मोबाइल से आवाज अपने दुल्हन के अपने भाई के पौलन तब बिरहा के अंतिम लाइन में एक बात कहलन, का कहला मास्टर? अरे टेप खोला जब सरोजा अरे तगी तगावा लगली, अरे दौरा हो सजनवा बोलावा लगली। अरे टेप बजा कर समझ गया है तब भाई की गद्दारी, अरे गरज के बोला स्वर्ग में नहर, अरे गरज के बोला सरोज नहर, अरे स्वर्ग में छा गई नारी तलाकल बदले की अग्निया लहरावा लगली। देखी जब टेप बजा करके पहुंच गए अपने भाई के पास कलश के भैया जौन कैला तौन ठीक कैला, लेकिन कम से कम हमार लसिया तो बता दा, ऐसे हम कसम खैले बानी जवानी का कसम खैले बानी कि तोरे संगे मरबा तोरे संगे जियम, तो कम से कम हमारे लाश के तो बता दे भैया। लेकिन पापी गद्दार कुछ बता नहीं पौलस कलश कि तू ना बतैबा, इसे ना बतैबा तो एक ठे काम कैलस, का कैलस कि चढ़ गई छत के ऊपर कोठा पर, और कोठा पर जा करके आपन बंदूक उठा लेलस, आ उठा के बंदूक ले करके और पहुँचल अपने भाई के पास। अपने भाई के पास पहुँचल तो कैलस का मास्टर? अरे उठा लिया हाथे दो नाली तब बता दो मेरा लाशा, खोल दिया है पर्दा
छापी तब पुजाना दिल गया जरे मारा गोली दुलाई रही देखावा लगल बाबूजी उठा के दुनाली जब छतिया में लगवला कलश की बाज मार रहा पगले बता दे मेरा लाश कहाँ है कलश की तनी बंदूकिया दूर कर चल के हम लसिया बतावा थी अपने आप ले जा करके फिर तोड़ करके और लाश करके निकलना ये बाबूजी और निकलने के बाद में सरोज कहलस कि अब न तू जिये लग वाला न हम जिये लग बनी ठाए ठाए दू गोली अपने भाई के मरलस और दू गोली अपने मार धलस और मार करके नौजवान वो भी सदा के लिए चला गया। एसपी साहब आते हैं और एक ही चीता पर सुषमा और सरोज के लाश को जलवा दिए। यहीं से मेरा दास्तान समाप्त होता है, इसीलिए हमारे गीत का शीर्षक रखा गया दहेज बनाए अंगार और भाई का खूनी भाई। कहना बा इंती में अरे गुरु मौला दल गंजन सरजू बाल सवर बिसरा करे वसीहर साहेब निर्मल निगम करे पत्री के पैगाम अरे शिवाजी कलम के ऊपर पाल स्वर कटेरा।